अस्सलाम वालेकुम। जो आप जो रोज़ा मुबारक देख रहे हैं वो मौला अबुल फजल अब्बास अलमदार का रोज़ा है और अभी हम जिस जगह पर खड़े हैं उस जगह का नाम है बैरुल हरमैन, जो मौला अब्बास और मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े के जस्ट बीच में है। देखिए और ये सामने जो रोज़ा देख रहे हैं आप, ये मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का रोज़ा है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का रोज़ा देख रहे हैं आप सामने। बैरुल हरमैन है जहाँ पब्लिक, आज 4 शाबान का दिन है और पब्लिक बहुत ही माशाल्लाह कल रात में बहुत ही लोग थे यहाँ पर, इस जगह पर जश्न हुआ और यहाँ पर इंडिया और पाकिस्तान के लोग ने काफ़ी जश्न किया। सादमान रज़ा और कितने शायर, रेहान आज़मी, वो सब आए हुए थे। यहाँ पर अभी काफ़ी भीड़ है, नमाज का वक्त भी है अभी। देखिए ये मौला अब्बास अलमदार का रोज़ा है। आप सब लोगों को मौका मिले कि आप भी ज़ियारत करने आए। बहुत ही अच्छा जन्नत बोलते हैं, बहुत ही जन्नत है अपनी, दीदी जागती जन्नत अगर देखनी हो तो करबला एक बार आए। मौला हुसैन, मौला अब्बास सबको ये मौका दे। आमीन आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। ये वही ज़मीन है जहाँ करबला की जंग, वाकया करबला हुआ था। देखिए यहाँ पर ये पंखे लगाए हुए हैं जिससे वो गर्मी ना हो। ये मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का रोज़ा है, ये उनका गुम्मत है रोज़े मुबारक का। लोग माशाल्लाह यहाँ पे क्या क्या उम्मीद लेके आते, कहते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जो भी दुआ मांगनी हो यहाँ खड़े रहकर दुआ मांगो, तुम्हारी दुआ कबूल होगी। कहते हैं दुनिया में जितनी भी दुआएं होती है वो मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के घुम्मत से होते हुए आसमान तक जाती है। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का घुम्मत है। इंशाल्लाह आपको भी मौका मिले कि आप भी ज़ियारत कर रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह क्या नज़ारा है, क्या मौलाना है। सबको इंशाल्लाह ज़ियारत का मौका मिलेगा। आमीन आमीन। अंदर मोबाइल ले जाने का अलाउड नहीं है, बाकी मैं अंदर जाके भी ज़ियारत करवाता आपको। माशाल्लाह सबको ये मौका मिले मौला अबुल फजल अब्बास अलमदार के रोज़े मुबारक पे आने का। Yeah, you know what?